अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एहसन अली। आज हमारी जिमनास्टिक की नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में आपको राउंड ऑफ बताया था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके बाद आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि बैक हैंड स्प्रिंग कैसे करते हैं, जो कि हर किसी बच्चे की फेवरेट होती है बैक हैंड स्प्रिंग। वो कहते होते हैं कि उल्टी वाली फ्लिप हम कैसे करेंगे, वो हम आपको फ्लिप्स खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ब्रिज अच्छा होना चाहिए, जिस पे ब्रिज पे हम लोगों ने वीडियो बनाई है आप वो देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी का वार्म अप होना चाहिए। बॉडी का वार्म अप होगा तभी आप अच्छे से फ्लिप कर सकेंगे और आपकी कोई इंजरी भी नहीं होगी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, मार्शल आर्ट एक स्पोर्ट्स है। अगर स्पोर्ट्स में आपकी इंजरी होगी तो आप आगे स्पोर्ट्स को आगे नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए आप सबसे पहले वार्म अप करें, उसके बाद आप ब्रिज की प्रैक्टिस करें। आपको ब्रिज आना चाहिए, ब्रिज से ये हेल्प होगी कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप अच्छे से फ्लिप कर सकेंगे। उसके बाद आप बैक हैंड स्प्रिंग की ये वाली वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस करें। हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, आप उनको फॉलो करें और बैक हैंड स्प्रिंग सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक हैंड स्प्रिंग, जो कि अपने नाम से जाहिर है, बैक हैंड स्प्रिंग, ये बैक आ गई, इसके बाद हाथ लगाने और पीछे स्प्रिंग करनी है। बैक हैंड स्प्रिंग, सबसे पहले आपने इस पोजीशन में खड़े होने, इसके बाद आपने अपने हाथ स्ट्रेट रखने, स्ट्रेट लेके जाएं, बिल्कुल ऊपर नहीं रखने, ऐसे ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल ऊपर नहीं रखने, सामने रखने, सामने। ये पहली पोजीशन आ गई। सेकंड पोजीशन, आपने अपने घुटने थोड़े से फोल्ड करने और अपने हाथ अपनी बॉडी से पीछे लेके आने, अलाउ ये। और इसमें आप ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, ऊपर जाओ और बहुत ज़्यादा बैठो नीचे, ऐसे बहुत, इतने भी नहीं भाई, थोड़ा ऊपर जाओ, अब नीचे आओ, ऐसे बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, उसकी जितनी भी एनर्जी होती है सारी ज़मीन में चली जाती है, ठीक है। ऊपर आपने हल्के से घुटने फोल्ड करने, हाथ ऊपर स्ट्रेट, नीचे लेके हल्के से ये, बस इससे ज़्यादा नहीं करने, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप पीछे जाने में आपकी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, इसके बाद अक्सर लोग अपने सर, जैसे ही हाथ नीचे लेके जाते हैं अपना सर भी नीचे कर देते हैं, ऐसे करो ये, आप ऐसे करेंगे आपके सारी जितनी भी एनर्जी होगी बॉडी की वो नीचे की तरफ चली जाएगी। आपने अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और कोशिश करनी है थोड़ी सी पीछे की तरफ रखें, लेके जाओ पोजीशन में जाओ, थोड़ा साथ पीछे रख के जाओ, शाबाश, वन टू ये। इसके बाद वन स्टेप में जाओ, वन ये होगा, टू पीछे जाएंगे, इसके बाद आपने जंप करने और अपना फेस भी थोड़ा सा पीछे करने, हवा में जंप करने, जंप करो सर पीछे ले, ये इसकी यही एक्सरसाइज है बैक हैंड स्प्रिंग की, कि आपके अंदर से डर खत्म हो कि आप जंप कैसे करेंगे। वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कम से कम रोज़ से 30 से 40 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जंप अच्छा हो और आपका डर ख़त्म हो। सेकंड स्टेप क्या होगा, चलो वन करो, वन टू, इसके बाद आप पीछे ब्रिज बने, सेकंड स्टेप ये, इससे पीछे हाथ ले, ऊपर से हाथ ले के आओ, पीछे ब्रिज बनो, ऊपर से हाथ ले के आओ, ब्रिज बनो, ये थर्ड स्टेप, इसके बाद टांगे पीछे ले के जानी, ये वापस आओ, वन वन स्टेप ही आ गया, टू पीछे, थ्री हाथ पूरे ऊपर से लेके आने और पीछे ब्रिज बने, थ्री ये, इसके बाद पीछे लेके जाएंगे टांगे, ये बैक हैंड स्प्रिंग आ गया। अब खुद जाओ ये चीज़, वन टू शाबाश, थ्री फोर शाबाश, अब आ जाओ। इसके बाद एक और स्टेप है, हम आपको वो बताते हैं, अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है, आप जंप कैसे करेंगे। ज़्यादातर डर यही होता है कि हम लोग बैक हैंड स्प्रिंग का तो हमें सारा सीन आते, लेकिन हम लोग जंप नहीं कर सकते, वो जंप कैसे करते हैं वो, इसके लिए हम आपको एक आसान सी चीज़ बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह के मैट्रेस की मदद लेनी है, 3-4 मैट्रेस हों जो आपकी आधी हाइट के अंदाजन, आधी हाइट के बराबर की हों। इस पर आपने हाथ ऊपर लेके जाने, लेके जाओ, अब सेकेंड स्टेप पीछे लेके जाओ, टू, अब आपने इसके ऊपर जंप करना है, इसके ऊपर आपको कोई डर नहीं होगा क्योंकि ये फोम है, थ्री पीछे जंप करो ये, इससे आप आ जाओ, इससे आपका डर ख़त्म होगा बैक हैंड स्प्रिंग के जंप करने का। और इसमें याद रहे, वैसे जो बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस होती है, वन टू थ्री में आप फेस पीछे लेके जाते हैं, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सर पीछे नहीं रखेंगे, सर पीछे रखेंगे तो आपकी गर्दन टूटने का खतरा हो सकता है। चलो वन टू थ्री जंप पीछे, फिर आओ, वन जंप और हाई करो, टू थ्री ये, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके अंदर का डर ख़त्म हो कि आप जंप कैसे करेंगे। इसके बाद आप किसी की सपोर्ट की मदद लेके पीछे बैक हैंड स्प्रिंग करें, वो कैसे कर रहे हैं आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपने किसी की हेल्प लेनी है जो आपकी कमर पे आपको सपोर्ट दे और आपके अंदर का डर ख़त्म हो कि आप बैक हैंड स्प्रिंग पीछे की तरफ कैसे जाएंगे। जब तक आपको सपोर्ट के साथ नहीं करेंगे आपके अंदर का डर ख़त्म नहीं होगा। आप हाथ स्ट्रेट लेके जाओ, वन टू, अब जंप करो सिर्फ, थ्री ये, अब ये चीज़ें, और चौथा आपने पीछे की तरफ आने, ये जंप ऊपर करें, ये पीछे की तरफ आने, ये सारी चीज़ें एक ही काउंट में जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें एक ही काउंट में जाएंगे, वन
सारे तीनों चीज़ें एक ही काउंट में आपने फ्लिप मारनी है, ठीक है। वन, ये फिर आओ, शाबाश। आपने स्पोर्ट ज़्यादा देना है, ठीक है, क्योंकि जो नया होगा उसको स्पोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप स्पोर्ट कम देंगे तो उसकी गर्दन नीचे लगेगी, गर्दन में इंजरी हो सकती है। चलो, और एक हाथ बैक पे रखना है और दूसरा हाथ ऐसे टांग पे रखना है, टांग के साथ भी ऊपर पुश करने। चलो, वन, ये फिर आ जाओ, टू, फिर आओ, थ्री। इस तरह आप ये जो फ्लिप इस बच्चे ने अभी किए, ये फ्लिप आप दिन में कम से कम 15 से 20-25 दफ़ा करवाएं अपने आप को, तब आपकी बैक हैंड स्प्रिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका अंदर का डर ख़त्म होने, बैक हैंड स्प्रिंग ईजी है लेकिन आपका जो डर होते वो उसकी वजह से आप बैक हैंड स्प्रिंग नहीं कर पाते, इतने साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप नहीं कर सकेंगे। तो आप स्पोर्ट के साथ करें, मैट्रिस वाला जो तरीका बताए उस तरह करें तो आप बैक हैंड स्प्रिंग कर सकेंगे। अब ये बच्चा आपको खुद बैक हैंड स्प्रिंग करके बताएगा।